बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र पुलिस पाइप बैंड का, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और आप हमारे खास मेहमान जो यहां पर आए हैं, एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट पर रखिए या स्विच ऑफ रखिए। रिक्वेस्टिंग ऑल टू प्लीज काइंडली सेटल डाउन, टेक योर सीट्स एज वी आर अबाउट टू बिगिन इन अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स और कीप देम ऑन साइलेंट, थैंक यू। प्रिय अतिथि, हम आपको महत्वपूर्ण सुरक्षा घोषणाओं पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें। स्थल में निकटतम आपातकालीन निकास का पता लगाने के लिए एक पल लें। निकटतम अग्निशमन उपकरण का पता लगाएं। कृपया सभी घटना उपकरण जैसे लाइट्स, ट्रस, साउंड, एलईडी और कैमरा से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। याद रखें कि आज कोई आग या सुरक्षा अभ्यास निर्धारित नहीं है। अलार्म सुनाई देने पर नजदीकी निकास से स्थल की बाहर जाएं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु के बारे में स्थल या घटना कर्मचारी को सूचित करें। स्थल में धूम्रपान न करें, कृपया केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में धूम्रपान करें। आपातकालीन स्थितियों में न घबराएं, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। आपको एक सुरक्षित कार्यक्रम की पूरी कामनाएं।
बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हमारे सारे खास मेहमानों का. एक बार फिर आपसे निवेदन है कि काइंडली सेटल डाउन, अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए ताकि हम इस शो को आगे लेके जा सकें. We're waiting for all the wonderful guests to arrive and settle down and grab their seats so we can continue with the show. So settle down at the earliest so we can commence with the proceedings. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं समीर कोचर आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. आप ही की तरह मैं भी एक मुंबईकर हूं, लाखों चेहरों में एक जो बीएसटी की बस, लोकल ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या कार में घूमता है और अपनी कर्म भूमि मुंबई की तारीफ करता रहता है. 26/11 की उस रात ने हमें दहला दिया, लेकिन मुंबई पुलिस, कमांडोज और खुद मुंबईकरों ने उस आतंक का सामना किया और आज मुंबई और हम मुंबईकर अपने सपनों के शहर में पूरी शान से खड़े हैं. बिफोर वी गो अहेड विद टुडेज प्रोग्राम, वी'd लाइक टू टेक अ मोमेंट आउट टू थैंक आवर ग्रेशियस पार्टनर्स on behalf of the Indian Express Group. Presenting partner Bajaj Group ka shukriya. Hamare powered by partners Hindustan Unilever Limited, Facebook, Adani Group aur hamare broadcast partner Star India ka bahut bahut dhanyawad. Star par is karyakram ka prasaran shanivar 30 November raat 9:30 baje hoga. Aap ise Hotstar par bhi dekh payenge. इसी के साथ हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, एसोसिएट पार्टनर्स टाटा सन्स, LIC, IIFL, हीरानंदानी, मुंबई खादी एंड MIDC और हमारे खास सपोर्टिंग पार्टनर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिंफनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया. आर टेलीकॉम पार्टनर्स वोडाफोन, रेडियो पार्टनर बिग FM, Youth Partner Yuva, Production Partner Prime Focus, Outdoor Media Partner Bright Outdoor ka dhanyawad. Ye program Mumbai Port Trust, Mumbai Police, Archaeological Survey of India, Brihan Mumbai Municipal Corporation aur Indian Navy ke Western Naval Command ke sahyog ke bina mumkin nahi tha. Isliye sabko Indian Express Group ki taraf se khas dhanyawad. और हमारे इवेंट प्रोड्यूसर्स विस्क्राफ्ट का भी धन्यवाद. शामक दावर डांस कंपनी को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे और खासतौर से इस कार्यक्रम के डायरेक्टर आनंद तिवारी का भी शुक्रिया.
दोस्तों, इतिहास की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना सिर्फ हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं बल्कि बहुत कुछ बदल कर रख देती हैं। आज की पीढ़ी ने भले ही आजादी के संघर्ष को ना देखा हो, पर 20 साल में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने उनकी सोच और दिशा को बदला। संसद और मुंबई पर हमले की घटनाएं ऐसी थी जिसके बारे में आज की पीढ़ी ने न सिर्फ पढ़ा बल्कि पहली बार इसका लगातार प्रसारण टीवी पर भी देखा। लेकिन हम आपको वो कहानियां बताने, समझाने, दिखाने जा रहे हैं जिसे हर कोई नहीं देख सका। 26/11 स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ में आप ना सिर्फ शहीदों की हिम्मत की कहानियों से रूबरू होंगे बल्कि वो साहस भी महसूस कर पाएंगे जिसे लेकर पीड़ित और उनके परिवार वाले दोबारा जिंदगी की ओर बढ़े। समुंदर में सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि तूफानी लहरों का भी मुकाबला करना होता है और इस पर विजय पाने वालों को इंडियन नेवी कहते हैं। अब आपके सामने हैं समुद्री सीमाओं के प्रहरी। स्वागत करें नेवी बैंड का जोरदार तालियों से। Thank you.
मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रह कर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतज़ार में भूरा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है, मैंने सहूलत का गला घोटा, ज़रूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ, मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से ये खुद को सवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज़ तुम मन की, ज़रा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बदलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की चुड़ो, ऐसे जड़ों से जिंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा तीन रंगों से बने दिखता सुनहरा। युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। Thank you.
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी तो है भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई हम एक है, भाषा कई सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे इंडियन नेवी बैंड का। We're also thankful to Chetak crew, Commander P.S. Krishnan, Sub-Lieutenant Arsh Bansal, Chief Flight Diver Raj Singh, and the crew of Seeking 42 Charlie of the Marine Commando Flight Based at INS Shikra. Commander Abhay Nitsure, Commander Nihal Subnis, Master Chief Flight Diver Pralad, and Chief Flight Diver Anil Kumar. आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। उस रात मैं भी अपने भाई और मेरे दोस्त, मेरे कुछ दोस्तों के साथ CST स्टेशन पर मौजूद था। हमारी ट्रेन तो हैदराबाद जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसके बाद
सीएसटी स्टेशन पर जो कुछ हुआ उसे याद कर हम आज भी कांप उठते हैं। पर उस रात सीएसटी पर 8 साल की बच्ची भी मौजूद थी जो इस हमले का शिकार बनी। वही देविका रोटावन आतंक के खिलाफ की लड़ाई में पहली गवाह बनी। हमले में पैर पर गोली लगने के बाद भी उनके कदम कोर्ट में नहीं लड़खड़ाए। उनकी हिम्मत को सराहते हुए हम उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। स्वागत करें देविका रोटावन का। लेकिन आज भी हम उस मनुष्य रात को भूले नहीं है। आइए एक मिनट का मौन व्रत रख के हम शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। ट्वेंटी सिक्स इलेवन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं सुप्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर। जय हिंद। रब मेरी उम्र तेनू ला दवे, मैनू तेरी आई मला जावे। लाल वे जुग जुग जीवे तू, लाल वे जुग जुग जीवे वाला। मेरी पतंग हो
तेरी राहत के अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया, तेरी राहत के अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया। धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा दीप कहां, ढल के सूरज करे इशारा चंदा तू है कहां, मेरे चंदा तू है कहां। लुका छुपी आतंकवाद से लड़ाई में शहीद होने वाले एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ मिस्टर हेमंत करकरे को मुंबईकर कभी नहीं भूल सकते। अशोक चक्र से सम्मानित श्री करकरे की सुपुत्री जूई करकरे नावरे हमारे बीच में हैं और हम उनका यहां पर स्वागत करना चाहेंगे, तालियों के साथ प्लीज। नमस्कार, आई एम जुई नवरे, डॉटर ऑफ हेमंत एंड कविता करकरे। द लॉस ऑफ बोथ माई पेरेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज़ बीन डिफिकल्ट। आई कुड स्टिल लुक एट लाइफ विद अ पॉजिटिव आउटलुक ओनली बिकॉज ऑफ द वैल्यूज माई पेरेंट्स इंस्टिल्ड इन मी। इट इज़ 11 ईयर्स सिंस आई लास्ट हर्ड माई फादर्स वॉइस। My mother's eyes were one of the most beautiful in the world. They were kind. I miss my parents every single day. My father always inspired everyone to strive towards helping society. And my mother followed this principle even after breathing her last by donating her organs.
My papa believed in tackling everything at the grassroots level. In 1989, he participated in a campaign, Drug Fight 89. He took the campaign to municipal schools and spoke to the children about the importance of education, staying in school, and focusing on their studies. He knew nabbing drug peddlers was not the only solution. Making sure youngsters remain in school and not fall prey to drug peddlers was the first step. He partnered with social workers and sent many addicts to rehabilitation centers. When he was SP in Naxal-hit Chandrapur, he visited remote villages and asked the children who they want to be when they grow up. Many answered, Shekhar Anna, who was a Naxal leader. He was disappointed that the people thought Naxalites were their role model and started a dialogue with the villagers by engaging a team of translators and interpreters. He knew simply firing bullets would not end the problem. It was an ideology that had to be uprooted. For me, my father will always be one of the most respected IPS officers, a recipient of the President's Police Medal for Distinguished Service from A.B. Vajpayee, a diplomat who represented India at the United Nations in Vienna, a social worker who made sure to uplift society. But before all this, he will be my father, my papa, a papa who taught me to love books, a papa who taught me never to take anything in life for granted. A papa who taught us the importance of freedom and gave us the freedom to make our own choices. A papa who was an artist and taught us to appreciate beauty, grace, and simplicity. Some people die so that others may live. Both my parents followed this principle. I would like to read a small poem written by my mother, dedicated to my father. Ek tara nikhalla, ani nikhalatana adhika shubhra zala. Aplya sukhachi rakh rangoli zhalyavar, koni konacha dari algad rangoli kadun jata. Asa swapnat sod, vastavyat kadi hota. Ugavnara surya sanjivan. पण मावळणारा कधी आपला प्रकाशच देऊन जातो तहानलेल्या गात्रांना. जन्माला येणं नसतं कधी कोणाच्या हाती, पण आल्यावर काय करायचं आहे जन्माचं. दिस पोएम बेस्ट डिस्क्राइब्स हाऊ आय रिमेंबर बोथ ऑफ देम. थँक्यू. My mom got a phone call from her family and I think Talat ka saab ko boli lagi hai. 11:30 ke aaspaas call aaya and he said that main safe hu, meri chinta mat karo, tum acche se rehna. To fir bhi maine bola dekho aisa aisa ho raha hai, fir aap aage mat ja. To mujhe pehle bole wo meri first wife, second tour hai. यहाँ से बाहर निकलना तो मुश्किल है. जो होगा देखा जाएगा. मुझे मालूम है कि बुलेट मुझे लगनी है और चांसेस है कि मेरा चांस बचने के चांसेस वहाँ से बिल्कुल नहीं थे. आई माई हस्बैंड मैनेज टू कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट एंड ही वेंट इन टू सेव माय डॉटर. स्टाफ जेंटली गॉट अस आउट फ्रॉम अंडरनीथ द टेबल्स एंड गॉट अस टू फॉर्म अ लाइन एंड गो आउट फ्रॉम द इनसाइड कॉरिडोर्स. समहाउ द अदर ऑल ऑफ अस वर काम एक्चुअली. There was no panic in spite of the fact that, you know, you could hear gunshot, you could hear a little blast here and there. We were ensuring that, you know, all the guests are still looked after, each of the restaurants. तो ये जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा था तब मैं देखा कि वहाँ पर कुछ फायरिंग टाइप भी आवाज आ रहा है. लोगों को वहाँ पर जाने से रोकने का था, इसलिए मैं लोगों को एक नंबर की तरफ से डाइवर्ट करना शुरू किया कि आप उधर की तरफ मत जाइए, मेन लाइन की तरफ,
आप एक नंबर की तरफ से बाहर चले जाइए करके. Since I was closest to my dad, there's always that thing in my mind that I have to do something for my country and for the people. Times have changed, the world is changing, and it's just time you become stronger. It's not only my son, several people died like that. Rather than complain about why it happened to you and stuff, I guess that is one mantra that has helped me. Yes, I agree, it happened. It took somebody's life, it took a person's life of my family also. Even I could also live with the same attitude. But then what is the difference? What is the difference, or what is the story, or what is the thing are we conveying to the society today? So it's a continued choice to forgive, and that is the key, really, to healing. It is the key to moving beyond it and being able to bring forth something of value to the world. That's my commitment. अगर मॉम को लास्ट तक भी सपोर्ट देना रहेगा ना, मैरिज का तो जाने दो, अगर मैरिज भी नहीं हुई तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं मॉम का साथ हमेशा दूंगी. वो जितना मुझे आज संभाल रही हैं, मुझे उनको आगे संभालना है, मुझे ये सोच के मैं अपना करियर आगे बढ़ा रहा हूँ. आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ रेज इन माई सेल्फ ओवर अ सर्टेन पीपल, अ सर्टेन कम्युनिटी, एंड देन आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट, बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट लव. दोस्तों, मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनंत गोयंका जी को, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप. जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, आदित्य शर्मा, हु लॉस्ट हिज फादर 11 इयर्स अगो टुडे, सेज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट लव. व्हाट इज लव? Is it another word for empathy? Is it the opposite of indifference? Is it the absence of fear? Or is love the enemy of hate? And whatever it is, can love be as powerful a motivator as anger? Events such as 26/11 make us angry because when innocents die, it seems that hate is defeating love. We have, for 4 years now, been inviting you to the Gateway of India to evaluate your view on the power of love and the power of hate, and to provoke a dialogue between the humanist and the extremist inside each one of us. You see, in any attack, whether foreign, like 26/11, or homegrown, like the ones in Colombo and Christchurch, the root cause is a twisted mind radicalized with extremist thought. Today, on the 11th anniversary of 26/11 and the 150th year of Gandhi, we'd consider our endeavor successful if we could get you to pause and think about just how geared our world is to promote extremism, and if there's anything we can do about it. Our media has moved from broadcasting to narrowcasting, where channels are dedicated to audiences based on ideologies rather than demographics. And digital media creates filter bubbles of content and virtual communities of like-minded opinions. And as Harvard's Cass Sunstein has proven, if we keep surrounding ourselves with people of similar worldviews, we become more extreme. Which is why every time I watch these interviews of over 100 survivors, I am amazed how these individuals, who have suffered such unimaginable loss, have channelized the hatred and destruction, choosing to build something of value to this society. This positive attitude can only be achieved by love. Now, I'm not for a moment suggesting that there is no need for a deterrent. Even our gods are depicted with their respective weapons of choice. So we must defend ourselves, especially given our neighborhood. And while we must continuously make our armed forces smarter and stealthier, we mustn't let the ability to attack prevent love from being our first line of defense. Because history has shown that one without the other is unlikely to be successful. Robert Grenier, the CIA's former station chief in Pakistan, said that the United States drone program created more terrorists than it eliminated. Perhaps Maharashtra's ATS understood this when it started its counter-radicalization initiative.
a concentrated effort aimed at transforming extremist youth through patient counseling and training. The program today boasts of 120 young minds successfully de-radicalized without firing one bullet. If, on the other hand, our society turns more extreme, and if we keep finding it harder to be friends with the people we disagree with, then I think we are disrespecting the sacrifice of all those brave men and women who put their lives at stake to keep our country safe. I'd like to thank many people for being supporters of the entire endeavor. Shri Rajnath Singh, we all know how rare it is to see him at any event, much less to travel for one. Shri Nitin Gadkari, few people in the country understand the pulse of our city and our state like he does. Shri Amitabh Bachchan, we are blessed to be working with the living legend for the past 3 years. There can never be a more powerful emissary of our message than him. My gratitude to Shri Neeraj Bajaj and the entire Bajaj group. Their association with Gandhi makes them a natural fit for this event. Thank you to my friend Uday Shankar and the fantastic team at Star India for creating a track record of following through on their Nayi Soch. Thank you to all our partners, many of whom are here with us today. Thank you to the Adani group, Pranav Adani is with us today. To Mr. Chandrasekharan and to Indian Hotels for always going out of their way to see this project through. We continue to be inspired by the dedication Taj employees showed 11 years ago. Thank you to Shri Devendra Fadnavis and to my friend Praveen Pardeshi, to Shri Ajoy Mehta, Mr. Sanjay Bhatia, and the Mumbai Port Trust, and the Archaeological Survey of India. My deepest gratitude to Vice Admiral Ajit Kumar and the Western Naval Command, who have gone out of their way to make this event so special for us. Thank you to Maharashtra DGP Subodh Jaiswal, Commissioner of Police, Sanjay Barve, and to my friend for years, Devin Bharati, who believes so passionately in this. There is no way this event could have happened without the immense support of Sabas Joseph and the Viscraft team, and to the show director, Anand Tiwari, and his entire Still and Still Media Collective. And above all, ladies and gentlemen, my most heartfelt gratitude to those of you who picked up the pieces of your hearts that shattered 11 years ago and let us in. We understand the enormous responsibility we have when we point a camera at you and ask you to share your life's most vulnerable moments. We ask because it's important, because only you can put into reality what Martin Luther King Jr. once said. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Your stories prove that even though there are few misguided, foolish individuals who think that they can decide how we should die, they must know that they cannot decide how we will live. Ladies and gentlemen, on behalf of my father, Vivek Goenka, very warm welcome. Thank you. We in the Bajaj Group are associating with Indian Express Group because the purpose of the event is to spread awareness, to show India and the world that despite such horrific attacks, India is one of the most peace-loving countries, and that we believe, as Gandhiji believed, in peace and not revenge. The people of Mumbai stood with unity and love for one another and proved that terrorism cannot succeed in dividing us, the Indian people. हम मुंबई वासियों को अपने शहर और अपनी आजादी पर बेहद गर्व है। 11 साल पहले हमारे शहर की इसी आजादी पर आतंकवादियों ने हमला किया था। लेकिन कुछ लोगों ने अतुलनीय साहस दिखाकर उनका सामना किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आज उन्हीं वीरों के सम्मान में हम यहां एकत्रित हुए हैं। स्टार इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस उन बहादुर लोगों की सच्ची कहानियां आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हम आशा करते हैं कि
कि वीरता की यह कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करेंगी। हमारा संकल्प है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेंगे। For the last few years, we've been partnering with Indian Express to bring the stories, amazing stories of strength, which people have shown in terms of countering violent extremism. At a platform level, we take this issue extremely seriously. We are one of the founding members of the Global Internet Forum to Counter Terrorism. Up until this year, we have taken down more than 18 million pieces of terrorist propaganda content. We know that the platforms and the broader internet has potential for great misuse. We are working in terms of improving our products, enforcement policies, as well as partnering with law enforcement agencies in India and across the world to make sure that no act of terrorism is perpetrated on these platforms. I think the theme of oneness and unity, especially on 26/11, is absolutely perfect. Going forward, this is what should define our society, our culture, and our nation. One thing that stood out from that event was how the staff put themselves in front of the guests, and people actually gave up their lives in order to protect the lives of the guests. I think that was very horrible, very sad. The hotel was reopened within 21 days, and our chairman emeritus, Ratan Tata, said, "We can be hurt, but we cannot be knocked down." And I think this message was so powerful that that has got inculcated in all of us, and we tend to live by that message every day in whatever we do. 26/11 in the history of India is a disaster. An attack on a country by violence unprecedented in the annals of time. Indian Express has done this repetitive remembrance of this day in order to say that the heroic people who fought this menace with total unpreparedness were able to handle this situation with valor and honor. I think the memory of all this needs to be reiterated. A big thank you to Mr. Goenka and the entire Indian Express team. Dosto, ab manch par main swagat karna chahunga ek aur sammanit kalakar ko, Shilpa Rao ji. Zordar taaliyon se inka swagat kijiye is manch par. Oh.
बहुत 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 धन्यवाद शिल्पा राव जी का। बाकी अभी हौसला कैसे झुके। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी को जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद जी, उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, आज यहाँ बैठते हुए मैं 26/11 के उस दिन को याद कर रहा था। उस दिन मैं मुंबई में ही था और जो कुछ देख रहा था, जो समझ रहा था, वो एक प्रकार से पूरी तरह से एक बहुत ही डिस्टर्ब मनस्थिति में हम सब लोग थे। घटना भी इतनी बड़ी थी कि आतंकवादियों ने जिस प्रकार से निरपराध व्यक्तियों की हत्या की और उसके बाद काफ़ी बड़ा रोष भी जनता के मन में निर्माण हुआ। पर इस सब घटना को जब देख रहे थे तब एक बात मैं सलाम करूंगा मुंबई की जनता को कि इतने कठिन परिस्थिति में भी
किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इसका आदर्श उदाहरण उस समय मुंबई की जनता ने प्रस्तुत किया था। बहनों और भाइयों, आतंकवाद इसको ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता, ना कोई पंथ होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। हमारे देश की इतिहास, विरासत और संस्कृति इस बात को सिद्ध करती है कि आज तक के इतिहास में हमारे देश में राजा भी थे, सत्ता भी अलग अलग प्रकार की आई है, पर हमने कभी किसी धर्म के मंदिर को उध्वस्त करने का काम किसी राजा ने नहीं किया। निरपराध व्यक्तियों पर कभी आघात नहीं किए। तो हमारा दैवत के रूप में जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम मानते हैं, उन्होंने यही संदेश दिया था कि कोई भी लड़ाई होगी तो भी हमारी जो बहनें हैं, माँ बहनें हैं, इनके ऊपर कोई आघात नहीं होना चाहिए, कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने अपने आदर्श के साथ हमको वही सीख दी है और इसीलिए हम उन्हीं के मार्गों पर अनुकरण करके आगे जाते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत और जो संस्कार हमको मिले हैं उससे जो भारतीय मन बना हुआ है वो आज भी एक अलग प्रकार का उदाहरण हमने पूरे दुनिया में प्रस्तुत किया है। मैं याद करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में शिकागो में एक भाषण दिया था, जो भाषण सबसे लोकप्रिय हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है, या मैं जिस मार्ग से जा रहा हूँ वो मार्ग श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आपकी श्रद्धा जहाँ जहाँ है वो भगवान, वो धर्म, वो श्रेष्ठ है और अंतिमतः हम जो भी भक्ति करेंगे वो सभी भगवान एक ही है, उसी के पास पहुँचेगी। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं और संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। एक मराठी कवि ने उसका सुंदर अनुवाद किया है और जो हमारी भारतीय संस्कृति की दिशा बताने वाला है। उन्होंने कहा है कि पड़े खाल तीजे नभा तू न पाणी, पड़े खाल तीजे नभा तू न पाणी, जसे सागरा तेच मिळो निजाई, नमस्कार कोण्या ही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। आपकी श्रद्धा जहाँ भी होगी वहाँ भी हम जो वंदन करते हैं अंतिमता वो भगवान एक ही है और इसलिए विश्व का कल्याण हो यही मानवता का, ह्यूमैनिटी का संदेश हमारे संस्कृति ने पूरे दुनिया को दिया है। पर एक बात जरूर है कि मेरे बचपन में मैंने महारथी कर्ण के ऊपर शिवाजी सावंत जी का उपन्यास मृत्युंजय, बहुत सुंदर उपन्यास है, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे अवार्ड मिला तो उसके लिए एक कूपन मिला कि आप बुक डेपो में जाकर कोई भी किताब खरीद सकते हो। तो मैं वो किताब लेके जब मृत्युंजय मैंने खरीदा और लेकर आया, मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, बहुत सुंदर है और उसका अनेक भाषा में अनुवाद हुआ है। शिवाजी सावंत तो नहीं है पर उसमें कर्ण के जीवन पर लिखते समय उन्होंने कहा था कि सामर्थ्यवान और शक्तिशाली व्यक्ति ही समाज में शांतता और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है और दुर्बल व्यक्ति ने सत्य अहिंसा पर कितना भी भाषण दिया तो भी कभी शांतता प्रस्थापित नहीं हो सकती। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें शक्तिशाली बनना चाहिए। शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर अन्याय करना है। हम विस्तारवादी नहीं हैं। आज तक हमारे देश ने हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे राष्ट्रों की कोई जमीन हमारे देश में जोड़ने की कोशिश नहीं की है और इसलिए हम उदारवादी है, सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है और सही अर्थ जो सेकुलर शब्द का अर्थ है वो सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता है। डिक्शनरी मीनिंग में धर्म निरपेक्षता नहीं है
और इसलिए सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता यही है कि हम सब धर्म का आदर करें, सब पूजा पद्धति का आदर करें। पर समाज में अगर उसी समय अगर शांति, सत्य और अहिंसा अगर प्रस्तावित करनी होगी तो ये हमारा मिशन है, कर्तव्य है। पर ये कहने के लिए हमको ताकतवान भी बनना चाहिए, और इसलिए दोनों बातों में यही हमारी संस्कृति की विचारधारा रही, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक हमने उसी विचारों का अनुकरण किया है। और इसलिए आज मैं याद कर रहा था, आज हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ उपस्थित हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता, हम नहीं अटैक करते, हम नहीं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम सभी धर्म संस्कृति का आदर करते हैं और विश्व का कल्याण यही भाव जताते हैं। पर अगर कोई गलती से अगर टेढ़ी आँख से देखता है तो उसकी जवाब देने की भी ताकत सज्जन शक्ति में होनी चाहिए, नहीं तो सज्जन जिंदा नहीं रहेंगे। और इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात की है कि जब अधर्म बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, दुर्जन ताकतवान होते हैं, तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, यही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के सार के रूप में हमें बताया है। बीता हुआ इतिहास इतिहास है, वो भूतकाल है, पर इतिहास जो लिखा जाता है वो अत्तर और गुलाब पानी के सुगंध से लिखा नहीं जाता। इतिहास बलिदान से लिखा जाता है, खून से लिखा जाता है, और वो बलिदान का इतिहास हमको भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज हेमंत करकरी जी की बेटी जब बोल रही थी तो मैं हेमंत करकरी जी को उनके विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ, वो नागपुर के ही थे, पर मुझे देखते हुए फिर से वो याद आ रहे थे कि एक कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित किया, उसका बलिदान किया। ये बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये ऐसे अनेक शहीद जो हुए हैं देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, उनको अभी कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो निरपराध लोग जिनकी एक प्रकार से इसमें बलि गई है उनको भी हमने नहीं भूलना चाहिए। मैं इंडियन एक्सप्रेस को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि हमारा भूतकाल का इतिहास लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मृत्युंजय ही में ही शिवाजी सावंत जी ने और दूसरी बात कही थी जो मुझे याद आ रही है, उन्होंने अच्छी भाषा में कहा था कि विस्मृति, भूल जाना, ये भगवान ने मानव को दी हुई सबसे बड़ी देन है, ताकि बातों को भूल जाना चाहिए। और ज़रूरी भी है कि कभी ऐसी बातें होती है जिसको भूलना आवश्यक भी होता है, पर ऐसा इतिहास नहीं भूलना चाहिए जो इतिहास बलिदान का है, जो देशभक्ति का है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये इतिहास फिर से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इसलिए आवश्यक है कि इस इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य का सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना, यह हमारा संकल्प है। और यह शक्ति हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें कहीं विस्तारवाद करना है, कहीं आक्रमण करना है, किसी निरपराध पर अन्याय करना है। यह शक्ति हमको चाहिए सज्जनों की रक्षा करने के लिए, यह शक्ति हमको चाहिए दुर्बलों की रक्षा करने के लिए, यह शक्ति हमको चाहिए दुर्जनों का संहार करने के लिए, ताकि सज्जन लोग सुखी और सत्य के मार्ग पर रह सकेंगे। और यही इतिहास अनेक सालों से, क्योंकि ये ताज होटल, उस दिन के दिन जो कुछ हुआ, मैं तो इसका साक्षी हूँ, उस समय मैं महाराष्ट्र में ही था, वो बातों को मैं कभी भूल नहीं सकता। जिस प्रकार से शौर्य का परिचय हमारे पुलिस अधिकारियों ने दिया वो सब हमने देखा है, और इसलिए वो इतिहास हमारे भविष्य की प्रेरणा है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हमारा वो भविष्य का विचार है, वो सबके मन मन में जगाने की जो कोशिश की है उसके लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जब मुझे विवेक जी ने इस कार्यक्रम में आने के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर से एक बार मुंबई जाकर पुरानी बातों को याद करके उन सब जिन्होंने बलिदान किया उनको, और जो इसमें निरपराध लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे मिलेगा।
उन्होंने मुझे ये दिया, इसलिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब लोग हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इतिहास, विरासत, संस्कृति के आधार पर दुनिया को, विश्व का कल्याण हो, इस मानवता का, ह्यूमैनिटी का संदेश भी हमारी विचारधारा देगी और हम सब लोग उस दिशा में आगे जाएंगे और इस देश को शक्तिशाली बनाते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, महात्मा जी ने बताए हुए मार्ग पर जाएंगे। यही संकल्प करने का आज का ये दिन है। मैं फिर से एक बार सब शहीदों को और जो निरपराध व्यक्तियों की उस दिन हत्या हुई है, उनको फिर से एक बार उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सामान्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हम आपके आभारी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज फिर से। और अब एक नजर एवी स्क्रीन पर। क्या कभी आपने अपनी यूनिफॉर्म की शक्ति के बारे में सोचा है? जो साहस, जो वीरता आप में इसे पहनने से आ जाती है। जब मुंबई पर हमला हुआ, कामा हॉस्पिटल के कर्मचारी जख्मी हुए लोगों के इलाज के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था निशाने पे वो भी थे, पर अब जान पे खेलकर कई घंटे दरवाजे से सटे खड़े रहे ताकि अजमल कसाब और इस्माइल खान गर्भवती महिलाओं के वार्ड में ना घुस पाए। अंजलि कुलते ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीढ़ियों पे होती गोलीबारी के बीच एक गर्भवती महिला को दूसरे मंजिल तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं इन हीरोज को। नमस्ते। 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 आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, मिलने का बहुत मन था। कैसे आप? बढ़िया। मैं आपसे शुरू करती हूँ। 26/11 एक साधारण दिन की तरह रहा होगा, पर उस दिन बाद में जो आतंकवादी हमले हुए, उसके बारे में आपको पहले कब पता चला? पेशेंट्स की ओर लेने के लिए जब हम वार्ड में पहुंचे तो पता चला कि आतंकवादी हमला जो है CST स्टेशन में हो रहा है करके, तो उसके लिए इमरजेंसी आपको तैयारी करनी है। तो वो हिसाब से हम लोगों ने इमरजेंसी तैयारी पूरे वार्ड में करके रखी थी। तो फायरिंग वही चालू थी? हाँ, तो वही चालू थी। तो मेरा पेशेंट और हम लोग जब खिड़की से देख रहे थे तो मेजॉरिटी में हम सब लोगों को देख के उन्होंने दो फायर कर दिए। एक फायर में ट्यूबलाइट वगैरह सब तोड़ ही दिए उन्होंने। दूसरी फायर में मेरी एक सर्वेंट थी, मेरे साथ खड़ी थी, तो उससे वो जख्मी हो गई थी और ब्लीडिंग काफ़ी फोर्सली हो रहा था। वो टाइम मेरे वार्ड में 20 प्रेग्नेंट वुमन थी। जो पेशेंट्स है वार्ड में उनके पास तो मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सर्वेंट को नीचे लेके आई। और जैसे ही मैं स्टेयरकेस के लिए ऊपर चढ़ने लगी तो मैंने देखा कि मेन डोर से वो लोग आ रहे थे और उन्होंने मेरे दोनों वॉचमैन को फायर कर दिया था। इसी दरमियान एक पेशेंट को, जो मेरी पेशेंट थी, सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उसको लेबर पेन शुरू हो गए। और जब उसको लेबर पेन शुरू हो गए तो फिर मुझे उसको शिफ्ट करना या तो फिर डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी था। फिर मैंने पेशेंट को मॉरल सपोर्ट दिया, उसको बोला कि मैं आपको शिफ्ट करती हूँ और आपको कोई गोली ना लगे इसकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं आगे रहूँगी, आपको साथ में लेके जाऊँगी। थोड़ी जी, आप इस वक्त कहाँ थे? 9 बजे हमने हमारी ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे आ गए हम। उतने में गोली की आवाज़ आ गई फायरिंग की। उतने में वो स्टाफ बोल रहे हैं कुछ तो है। मैं बोला शादी जा रहा है, शादी होगी इसलिए पटाखे फूट रहे हैं, उतना टेंशन मत लो कुछ। तो उतने में हम नीचे उतरते उतरते सिस्टर अपने वो पेशेंट को लेके आ रहे थे। बोला क्या हुआ? स्टाफ बोल रहे उनको गोली लगी और कैजुअलिटी लेके गए। बाद में फिर उधर में 2 ही मिनट रुका वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, क्यों अभी फायरिंग हो गई है, अपने वार्ड में जाके बताना जरूरी है। बोला जान तो जाने वाली है तो कुछ तो करके जाओ। जो हमारे यहाँ उस दिन डिलीवरी बहुत हो गई थी तो उसके जो ट्रे है उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं, वो ट्रे हम लोग नीचे करवाए उसको और वो सामने तप्पी मार के रख दिए उसको। कभी भी कुछ हो गया तो ट्रे पेक के मारने का, कभी आ गया तो एक उनको दिलासा दिला था मैंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते, ये मैं क्या करूँगी, मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाऊँगी। आपकी फैमिली, आपका घर, ये तो ऐसे दिमाग में आता होगा ना? घर से निकलते वक्त तो ख्याल होता ही फैमिली का,
जहाँ हम ड्यूटी पे जाते हैं तब तक ख्याल होता है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म डालते हैं तो घर का ख्याल तो नहीं आता है, क्योंकि सामने पेशेंट होता है और पहले ड्यूटी हम पहले उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी कि जो हम लोगों को ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। जी बिल्कुल, तो आपने उस दिन बहुत लोगों की जानें बचाई और एक जिंदगी की शुरुआत भी आपने उस दिन की, तो वो जिंदगी वो लड़की हमारे साथ है। आइए, नमस्ते जुताई। नमस्ते, आओ बैठो। नमस्ते। नमस्ते। पहला तो आपका नाम क्या है? गोली। गोली, आपका नाम गोली क्यों रखा? मम्मी पापा बोलते हैं कि आप 26/11 में हुए तो इसके लिए आपका नाम गोली रखे। आपने जब इनका नाम गोली रखा तो आपके दिमाग में तब क्या 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 चल रहा था? मैंने इसका नाम गोली इसलिए रखा है कि दुनिया को पता चले कि इसका नाम, मतलब हर कोई जाने, जब टेररिस्ट गोली बरसा रहे थे उसी टाइम इसने जन्म लिया है, इसलिए मैंने इसका नाम गोली रखा है। आप एक दूसरे से मिले हैं पहले? जब 1 साल हो गया जी, 26 तारीख आई है, तभी घर पे जाके उनको गिफ्ट देने गया था मैं। जी याद के आए थे, अंकल आए थे। अच्छा, इस हादसे की वजह से हमें एक सीख मिलती है, हम सिर्फ पेशेंट की केयर किस तरह ले सकते हैं, इंजेक्शन मेडिसिन इतने तक ही हमारा नॉलेज है, लेकिन इस हादसे से विदाउट वेपन हम क्या कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हमें ये सीखना चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना है, और ऐसे अगर कोई हादसे होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा होना चाहिए कि ऐसे वक्त हमें क्या करना है। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, आपने अपनी इतनी पर्सनल कहानियाँ हमसे शेयर की, ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानियाँ है, और आपने जो धैर्य और जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो हमें कभी थोड़ी सी आ जाए। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। ऐसी कहानियाँ जो हम कभी नहीं भूलेंगे। नई पीढ़ी की नई उड़ान, नेशनल अवार्ड विनर प्रस्तुत हैं महेश काले। उपस्थित श्रोतागण, उनमें बैठे महानुभाव और प्रसार माध्यम से देखने वाले सबको मेरा प्रणाम। मैं आनंद जी, इंडियन एक्सप्रेस और विजक्राफ्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। यह अवसर विशेष मायने इसलिए रखता है क्योंकि पिछले तकरीबन 20 सालों से मैं सैन फ्रांसिस्को में अपने देश से दूर रह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से कहते आप भारतीय को भारत के बाहर रख सकते हो लेकिन उसके अंदर के भारतीयों को निकाल नहीं सकते हो, वही धारणा मेरी है। 26/11 के सब भूत आत्माओं को और उनके परिवार को शांति मिले, इसलिए मैं अपना आज का प्रस्तुतिकरण अर्पण कर रहा हूँ। जैसे हमारा देश संस्कृति भाषाओं को सवार लेता है, समा लेता है, उसी तरह से आज का मेरा ये प्रस्तुतिकरण राग देश और उसके अन्य नज़दीकी रागों को शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत द्वारा समालेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा। लैपटॉप
सदियों से भारत भूमि, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तान नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। रे पम गरे गनी सा,
re pa ma ga re ga ni sa re re pa ma ga re ga ni sa nakale chidana नकळे चिदान वेदांचे वचन नकळे आम्हा 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 नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा चोखा म्हणे माझा भोळा चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा गाईन केशवा गाईन केशवा नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे नाम तुझे नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आम्हा आम्हा नकळे ज्ञान रे प म ग रे ग नि सा रे रे प म ग रे ग नि सा क्या मैं आप सबसे गुजारिश कर सकता हूँ आप मेरे साथ देश राग में जुटेंगे गाएंगे मेरे साथ हाँ जी ni ni sa sa thode aur zor se please ha ni ni sa sa apne desh ko ga rahe hai thode aur zor se ga sakte ho aap ni ni sa sa पनी सा सा हरे हरे नी नी सा सा रे रे सा सा रे रे मा मा
re re ma ma pa pa. Ma pa ni ni. Ni 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 sa 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 ni 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 sa sa sa. Ni 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 sa 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 ni 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 sa sa. Sa ni sa 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 ni sa 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 sa. Hari hari. Sa ni sa sa ni sa sa ni sa sa sa. Sani dani 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 bani dani dani bani dani magare dani 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 dama mama dani dama mama bani dama magare mama magare magare dani sa 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 re 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 mama mama pa pa ni 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 sa 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 re. Re ma pa ni sa sa. Aur zor se please. Re ma pa ni sa sa. Re ma pa ni ni sa sa. Re ma pa ni ni sa sa. Vande mataram. Sujana. श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे महेश काले जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. दोस्तों, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारतीय एकात्मता को समर्पित है सिंफनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया आपके सामने. इसके साथ जाएगा.
अब इस मंच पर एक और बहुत ही खास परफॉर्मर, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गायिका रेखा भारद्वाज। आपको शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सूफी संगीत और फिल्म संगीत की गायकी में महारत हासिल है। इस मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी आज के दिन करीब ही, विशाल को जब पता लगा तो बिना किसी को बताए यूनिट में, क्योंकि 300 का यूनिट काम कर रहा था, सब पैनिक करते, तो धीरे धीरे पैकअप बोल के सबको भेजा, फिर खुद 3:30 बजे तक घर आए। जो आज मैंने तैयार किया है ये गीत, शांति प्यार, इसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया। जगत उपजा
मंदे मोको कहा ढूंढे बंदे मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में मोको कहा With the wine of love, I move. Love is the only religion I follow. Love is God. Beloved is God. Divana rangine yare digram hairat zade naksho nigare digram alam ham tar fikro ख्याल दिगरम मंदर मंदेशी कार दिगरम इश्कल्ला मबुदल्ला 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 हो को कहा ढूंढे
प्रीति बिश्त। सिर्फ 9 साल की थी जब उस नवंबर की शाम मनेसर में स्कूल से लौटते हुए उन्होंने देखा कि उनके घर के आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने सोचा ऐसा क्या हुआ होगा, क्या उनकी माँ बीमार हो गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चला कि उनके पिता एनएसजी कमांडो गजेंद्र बिश्त मुंबई में आतंकी हमलों में घायल हो गए थे। आज उनकी बेटी प्रीति बिश्त पहली बार मुंबई आई है और हम उसी नरिमन हाउस में हैं जहां वो हादसा हुआ था। हाय प्रीति। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी टू सी यू। ये है नरिमन हाउस। ओके, आप पहली बार आई हैं यहाँ पे, है ना? एंड ये वो जगह है जहाँ आपके पिताजी बहुत बहादुरी से लड़े थे। ऐसा लग रहा है कि my dad is still here. Yes. Yes. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं कभी बॉम्बे आऊंगी और स्पेशली इधर आऊंगी। एक थॉट आया था तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं प्रीति, डोंट बी मतलब कायर मत बनो, बी अ स्ट्रांग, बी लाइक योर फादर। फौजी की लड़की बोल रही है। एग्जैक्टली, फौजी की लड़की फौजी बनेगी। ये भी मैंने एक्चुअली आपके इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके पापा ने आपको इतना इंस्पायर किया था एंड इतना इंस्पायर करते आए हैं इन हिज स्पिरिट दैट आप भी अभी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं। Yes. तो वो सपना अभी भी है? हाँ जी बिल्कुल। तो उस बारे में आप क्या प्लान कर रही हैं, कैसे चल रहा है अभी? तो प्लानिंग मैं अभी कोचिंग भी ले रही हूँ CDS की, साथ ही साथ मैंने NCC भी ज्वाइन करा है इसीलिए कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि आर्मी में कैसा है क्या है। और नाउ आई एम अंडर ऑफिसर प्रीति बिश्त। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अंडर ऑफिसर प्रीति बिश्त से। हाँ जी। आपके अंदर जो फौजी स्पिरिट है वो कभी भी यू नो वो नहीं थकेगा एंड हम सब आपसे वो सीखे। नहीं एक्चुअली ये जो है ये नेवर क्विट वाला जो ये हर किसी के अंदर होता है लेकिन लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। समय तो भगवान को भी मात दे देता है। करेक्ट। तो वो ये थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, वेट करना चाहिए, अपना टाइम आएगा। प्रीति मैं अभी आपको इस बिल्डिंग के नरिमन हाउस के रबाई से मिलाना चाहूँगा। रबाई, दिस इज रबाई इज़राइल, दिस इज प्रीति बिश्त एंड नमस्कार। ही विल शो अस जिस फ्लोर पे ऑपरेशन एक्चुअली हुआ था, जो गन फाइट हुई थी। ये पहले 4 कमरे थे एंड यहाँ पे 2 टेररिस्ट छुपे हुए थे जिन्होंने 2 लेडीज़ को हॉस्टेज वहाँ रखा हुआ था। जब आपके पापा आए थे वो ऊपर से उनकी लैंडिंग हुई थी चॉपर्स के ज़रिए। सो जहाँ आप आज खड़ी हैं इसी प्लेस पे 11 साल पहले आपके पिताजी यहीं थे। तो आपके पिताजी ने जो यहाँ शहीदी दी थी 11 साल पहले, शायद उनके इस बड़े सैक्रिफाइस की वजह से आज कई बच्चे अनाथ होने से बच गए थे, कई बीवियों के आज भी हस्बैंड्स हैं और वो फैमिलीज हैं। बहुत प्राउड भी फील हो रहा है एक्चुअली कि मतलब आई नो ही इज एन आर्मी पर्सन, ही वाज एन आर्मी पर्सन, तो नेशन वर्स ही सर्व द नेशन। से लगा एक थॉट ये भी आता है कि अच्छा होते पापा तो थोड़ा सा अलग होता है। विश हो और देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे होंगे, हमेशा देख रहे हो। I really want to ask you कि ये जो आपकी ब्रेव स्पिरिट है, ये करेजियस स्पिरिट है, वो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? वो ये कहाँ से आ रही है? Actually, मेरी मम्मी से। मम्मी से? Yeah. ऐसा लगता है कि यार वो भी तो वाइफ है, जब वो कर सकती है तो मैं तो फिर तब भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं आपकी मम्मी के साथ बात कर रहा था अभी और उन्होंने एक बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ बोली जो शायद मैं पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि जब मेरे हस्बैंड बेरे पहनते थे और बेल्ट पहनते थे वो मेरे नहीं रहे, वो देश के। वो जब वो बेल्ट उतारते हैं और जब वो बेरे उतारते हैं तभी वो एक पति हैं, तभी वो एक पिता हैं। एंड वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड दैट स्पिरिट आई थिंक जो आपकी मॉम की स्पिरिट है, एंड रियली हम उनकी जितनी तारीफ करें हौसला अफजाई करें वो कम है। ये नरिमन हाउस का टेरेस है, ये मेमोरियल वॉल है जो बनाया गया है यहाँ पर इन मेमोरी ऑफ ऑल द लाइव्स दैट वर लॉस्ट दैट नाइट।
आपके पिताजी का नाम गोरा हवलदार गजेंद्र सिंह बिश्त, जहाँ आप अभी खड़ी हैं इसी छत पे वो आए थे। कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि हम खुद अपने आप थोड़ा लोनली फील करने लग जाते हैं, कि हम अपने पेरेंट्स से भी अपना फीलिंग्स शेयर कर नहीं कर पाते। अगर उनके पेरेंट्स उनसे दूर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। जब तक पेशेंट्स हैं तब तक सब ठीक है। दोस्तों, अब मंच पर हैं विश्व प्रसिद्ध वायलिनिस्ट, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के विद्वान डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति, अम्बी सुब्रमण्यम और बिंदु सुब्रमण्यम के साथ। आप वायलिन जुगलबंदी से प्रारंभ कर सुरों के माध्यम से वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना को साकार कर रहे हैं। Namaste and good evening to everybody. The 26/11 is one of the darkest days in the history of India. Everybody knows what happened. And we are here to remember, pay tribute to all the great people who tried to save us, who did all the sacrifices. Thanks to their family, thanks to everybody. And I want to thank Subhash Joseph, Viscraft and Indian Express to organize this to remember these great souls. Namaste. Thank you. Sari ni sari, magari sari ni sari, magari sari ni sari.
संगीत के जो महारथी इस मंच पर आए हैं अभी तक आप सबके सामने जो परफॉर्मेंस दी है, एक बार उन सबके लिए जोरदार तालियां पड़ सकते हैं दोस्तों। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, उनके लिए भी जोरदार तालियां दोस्तों। भारत के भूतल परिवहन मंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी, इंडियन एक्सप्रेस के ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयका, विभिन्न क्षेत्रों से मौजूद सारी बड़ी हस्तियां, देवियों एवं सज्जनों, इस कार्यक्रम के संबंध में चर्चा तो मैंने सुनी थी लेकिन प्रत्यक्ष देखने का अवसर यह मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है।
जिस समय थे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनंत जी ने मुझे आग्रह किया, सहज रूप से मैंने अपनी इस कार्यक्रम के लिए सहमति दे दी। जब से मैं यहां बैठा हूं, जितने भी प्रस्तुतिकरण यहां पर हुए हैं, हर प्रस्तुतिकरण को बहुत ही गौर से मैं देख रहा था और उसके भावों को भी समझने की अपनी तरफ से मैं भरपूर कोशिश कर रहा था। सारे परफॉर्मेंसेस दिल को छूने वाले भी थे, जज्बात को झकझोरने वाले भी थे और स्वाभिमान की भावना को जगाने वाले भी थे। और जिंदगी में चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा पैदा करने वाले भी परफॉर्मेंस थे। जितने परफॉर्मर्स रहे हैं, मैं तहे दिल से उन सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और द इंडियन एक्सप्रेस को ने इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया है, मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूं वह कम है। 26/11/2008 की घटना के 11 साल गुजर चुके हैं। 11 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 26/11 की जो घटना हुई है, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र इस घटना को कभी भूल नहीं सकता है। 11 साल पहले मुंबई में जो 166 जिंदगियां नापाक करतूतों के चलते इस देश ने खोई थी, उसकी याद केवल उन परिवार वालों के दिलों में ही नहीं बसी है, बल्कि उनकी स्मृति एक राष्ट्र के स्तर पर हम सबके भीतर भी आज तरोताजा है। 26/11 की घटना में कई ऐसे लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने फर्ज को निभाने के लिए, मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेलने में रंच मात्र भी संकोच नहीं किया है। ऐसे सभी शहादत देने वाले लोगों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कौन भूल सकता है उस सब इंस्पेक्टर तुकाराम आंबले को, जिन्होंने आगे बढ़कर कसाब की AK-47 की नाल को पकड़ लिया था और कसाब ने पूरी मैगजीन की गोलियां उनके शरीर में उतार दी थीं, फिर भी इंस्पेक्टर आंबले ने उसे के 47 की बैरल को, उसकी नाल को छोड़ा नहीं था। उनकी वीरता ने ही, उनकी वीरता में ही कसाब को जिंदा पकड़ने का मौका दिया और पूरी दुनिया को इसकी वजह से पता चल सका कि भले ही बंदूक के ट्रिगर पर कसाब क्या की उंगली हो, मगर उस हाथ का साथ देने वाले और उसको दिमाग देने वाले लोग सरहद के उस पार पाकिस्तान में बैठे थे। सब इंस्पेक्टर आमले की तरह NSG के बहादुर अधिकारी मेजर उन्नी कृष्ण को भी मैं याद करना चाहता हूं। इसी ताजमहल होटल में चल रहे ऑपरेशन में फंसे हुए गेस्ट को बाहर निकालते समय उन्होंने भी अपनी शहादत दी थी। एक हमारे NSG के कमांडर, जिसकी बेटी प्रीति बिस्ट यहां पर बोल रही थी, गौर से स्क्रीन के ऊपर उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, सहज रूप से उसकी आंखों में आंसू आए होंगे। करिश्माई काम किया है हमारे इन सुरक्षा के जवानों ने, जो कुछ भी कहा जाए उनके लिए वह कम होगा। और उसी दिन महाराष्ट्र CSTF के प्रमुख रहे हेमंत करकरे ने भी अपना फर्ज निभाते हुए अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी बेटी को भी बोलते हुए मैंने सुना था। स्वाभाविक रूप से जिसका पिता लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी शहादत दिया हो, यदि वो अपने सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से अपने जज्बात को, अपने भावनाओं को वो झकझोर देता है। सेना, अर्धसैनिक बल या पुलिस द्वारा की गई हर कुर्बानी का हर भारतवासी को सम्मान करना चाहिए और हर भारतवासी सम्मान करता भी है,
ऐसी हमारी मान्यता है। कई ऐसे सामान्य नागरिक भी हैं जिन्होंने उस दिन अपने अपने तरीके से वीरता और साहस के उदाहरण भी रखे हैं। जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकवादियों ने हमला किया था तो उस संकट की घड़ी में धैर्य न खोते हुए एक अनाउंसर थे, उन्होंने कई लोगों को सही समय पर अलर्ट करने की भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया था। जब ताज होटल में आतंकवादियों ने खून की होली खेलनी शुरू की तो वहां के स्टाफ ने भी अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में पूरी मदद की थी। वह बच्ची जिसने स्टेशन पर कसाब की गोली लगने के बावजूद बाद में अदालत में बयान देकर कसाब के कारनामों को पुख्ता तौर पर पहचान कर उसके खिलाफ केस को पूरी तरह पक्का कर दिया, और यह सब सारी घटनाएं जिनकी मैंने चर्चा की हैं ऐसी हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई जाएंगी और उन्हें बताई जाएंगी। इन सबके बीच लंबा संघर्ष तो उन परिवारों का भी रहा जिन्होंने 26/11 में अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया है। जिन्होंने यह नुकसान सहा उनके लिए यह आज भी मानो कल की ही घटना है। मैं जानता हूं कि हम संवेदना के तौर पर चाहे जो कुछ भी कहें, उस नुकसान की भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकती जो उनके प्रियजन के चले जाने से हुआ है। उनका दर्द हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। हाँ, हम 26/11 की घटना से प्रभावित सभी परिवारों, सभी मुंबई वासियों और उनके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि इन 11 सालों में भारत ने अपना आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब बहुत ही मुश्किल होगा। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 26/11 को अंजाम देने वाले आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत आए थे। उस घटना के बाद से कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर एक पैराडाइम शिफ्ट देश की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आया है, और आज इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मैरिन पुलिस ने देश के कोस्टल एरियाज में एक ऐसा 3-tier सिक्योरिटी कवर तैयार किया है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी इनकी निगहबानी से बचकर निकल पाना अब मैं समझता हूं कि नामुमकिन होगा। आपको जानकर यह खुशी होगी, सागर सुरक्षा यानी समुद्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी के भीतर ही 1000 नाविकों का एक विशेष बल सागर प्रहरी बल यह तैयार किया जा रहा है। यह बल न केवल कोस्टल एरिया में मौजूद नेवल एसेट्स की सुरक्षा करेंगे बल्कि यह फोर्स मल्टीप्लायर का भी यह काम करेंगे। देश कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही हमने एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया है जो समुद्र के भीतर और किनारे होने वाले हर हलचल पर न केवल निगाहें रखता है बल्कि संबंधित एजेंसियों को तत्काल अलर्ट भी वह करने का काम करता है। इस देश की 26/11 की घटना के बाद से मैरिन पुलिस फोर्स और मैरिन पुलिस स्टेशंस को स्थापित करने के काम में भी काफी तेजी आई है, यह आपको जानकारी देना चाहता हूं। और सभी एजेंसियां साइलोस काम करने के बजाय मिलकर काम करें इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। जब मैं देश का गृहमंत्री था तो मैंने होम मिनिस्ट्री में अलग से एक काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन जो है स्थापित किया था जिसे CTCR डिवीजन कहते हैं, और जिसका मैंडेट पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को हर तरह की मजबूती देना था और कोई भी खतरा पैदा होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना, इसकी तैयारी करना इस डिवीजन का की जिम्मेदारी थी।
चूंकि आज इंटरनेट युग में आतंकवादी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा साइबर स्पेस भी बन चुका है, और इसलिए वहां पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए मैंने एक साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन CIS डिवीजन यह भी इसका भी गठन किया था, और यह दोनों काम 2017 में मैंने किए थे। साथ ही मेरे कार्यकाल के दौरान एक और बड़ा काम हमने किया था, वह था देश भर में लगभग 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशन्स को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे CCTNS कहते हैं, उससे जोड़ दिया गया है। यह CCTNS नेटवर्क पूरे देश पे होने वाले हर आपराधिक हलचल और अपराधियों का डाटाबेस है, जिसके कारण वह अब डॉन को पकड़ना, अमिताभ बच्चन जी तो नहीं है, अब डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि अब आसान हो गया है। हम सब उठाए कदमों के कारण ही 11 वर्षों में और खास तौर पर पिछले 5.5 सालों में हमने देश के भीतर न केवल आतंकवादियों की मदद करने वाले स्लीपर सेल्स खत्म किए हैं, बल्कि सरहदों के रास्ते देश में घुसने वाले आतंकियों की जिंदगी भी हम लोगों ने मुहाल कर दी है। इतना ही नहीं, केवल सीमाओं के भीतर ही नहीं, अगर सीमाओं के पार भी आतंकवादी मंसूबों की भनक हमें लगती है तो सीमा के पार घुसकर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में भी संकोच नहीं करती है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी भारत में घुसकर घटना को अंजाम देने का ख्याल भी दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोचता है, और विगत 5.5 वर्षों में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कश्मीर के बाहर देश में कहीं भी कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। आतंकवाद का कारोबार करने वालों के लिए अब भारत सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा है। हमने टेररिज्म को पनाह देने वालों के लिए इस काम का इतना कास्ट एस्केलेशन कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे देश को टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और कीमत आगे चुकानी पड़ेगी, यह भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हमने पिछले वर्षों में भारत में मौजूद हर तरह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने में कामयाबी भी हासिल की है। अब अगला कदम टेररिज्म के फाइनेंशियल नेटवर्क को डिसरप्ट करने की दिशा में लिया जा रहा है, और इस फाइनेंशियल नेटवर्क को हम डिसरप्ट करने में कामयाबी हासिल करेंगे, यह भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज पाकिस्तान को ग्रे के सारे शेड्स नजर आने लगे हैं। यदि वह टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा तो उसका ब्लैक लिस्टेड होना तय है। शायद महंगाई और मंदी के संकट से घिरे पाकिस्तान के लिए FATF ने ब्लैक लिस्ट होना आतंकवाद के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगा। इसलिए आज 11वीं वर्षी पर हमें भारत की सुरक्षा चक्र में आए इस बदलाव को समझना चाहिए, और मगर कुछ ऐसा भी है जो मुंबई में 26/11 जैसी बड़ी घटना के बावजूद नहीं बदला है, तो वह मुंबई का स्पिरिट नहीं बदला है। आतंकवादियों ने जिस छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल को तबाह करने की कोशिश की थी, वहां ट्रेन और यात्रियों का आवागमन पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गया है। जिस ताजमहल होटल को जमीन में मिला देने का सपना उन आतंकवादियों ने देखा था, वह पहले से भी अधिक सम्मान और स्वाभिमान के साथ और पूरे ग्रैंडेयर और स्प्लेंडर के साथ वह खड़ा है। जिस मुंबई शहर की बैकबोन तोड़ने का आतंकवादियों ने मंसूबा देखा था, वह मुंबई आज दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब्स के रूप में शोहरत हासिल कर रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति कुछ देशों को रास नहीं आती है। भारत से यह ईर्ष्या उन्हें रसातल की तरफ ले जाएगी,
और मुंबई पर उनका बार बार हमला करना उनकी इसी सोच को दिखाता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जहां हम मुंबई स्पिरिट को सहेज कर रखें, वहीं भारत की ओर बुरी नज़र से देखने वालों को हम समेट कर देखें। जब से हमारी सरकार ने भारत विरोध को ही अपना अस्तित्व मानने वाले पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करना शुरू किया है, तो पूरी दुनिया में उनके प्रधानमंत्री त्राहिमाम करते हुए इधर और उधर भटक रहे हैं। मुंबई में हुआ 26/11 केवल उस शहर का ही नहीं, इस शहर का ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ऐसा मैं मानता हूं। और इस घटना में आतंकवाद के खिलाफ इस देश के रिजॉल्व, इस देश के संकल्प को और मजबूत किया है। भारत के इस संकल्प को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि यही मुंबई स्पिरिट के हित में है और यही इंडिया स्पिरिट के भी हक में है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए आज का यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है, इसके लिए यह समूह बार बार बधाई का पात्र है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज में यकीन रखता है, वैसे ही यह मुंबई शहर ऑप्टिमिज्म और करेज का भी प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः 26/11 को शहादत देने वाले सारे ऐसे शहीदों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हम आपके आभारी हैं। एक बारी फिर से उनके लिए जोरदार तालियां। Now, ladies and gentlemen, we have a very special moment here today. Juhi Karkare Navare has written a book in the memory of her father, Hemant Karkare, a daughter's memoir. Can we please request Juhi to present a copy of the book to the honorable ministers that are present out here, Shri Rajnath Singh ji, and of course, Shri Nitin Gadkari ji. A big thank you to the honorable ministers once again.
सारी जान से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? हिम्मत कैसे कर लेता दुश्मन मेरे घर में घुसाने की? अपने नापाक इरादों से मासूमों पे कहर ढहाने की? कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? कौन है वो कमजोर कड़ी जिसने छीना अमन हमारा? क्या सारे जहां से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? जब हम तुम एक रहे कोई आंख ना हम पे उठ पाए। कौमी बंधुत्व की ताकत क्या दुनिया को हमने बदलाए? फिर कब क्यों कैसे शुरू हुआ ये मेरा है वो तुम्हारा? क्या सारे जहां से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा? चैन के बदले हम सबके वीरों का रक्त भी बहता है। सुख चैन के बदले हम सबके वीरों का रक्त भी बहता है। ये देश उसी का आंगन है, ये सोच वो गोली सहता है। फिर आंगन में दीवारों से कब तक होगा ये बंटवारा? पूछ रही है भारत माँ हमसे ये प्रश्न दोबारा, क्या सारे जहां से अच्छा वाकई हिंदुस्तान हमारा?
क्या सारे जहां से अच्छा हुआ कहीं हिंदुस्तान हमारा। प्रचंड ये न्यारा आ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हाँ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये गांठ बांध लो अंतर में, दुश्मन हमसे होशियार नहीं। ये गांठ बांध लो अंतर में, दुश्मन हमसे होशियार नहीं। हम पांच उंगलियां मुट्ठी हैं, अब नहीं सहेंगे वार कहीं। कह दो हम ठंडी राख नहीं, फितरत है जलता अंगारा। हाँ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हाँ सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। जोरदार तालियां दोस्तों सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए, कोरियोग्राफर श्यामक डावर और उनकी टीम, लिरिसिस्ट आर डी तैलंग, म्यूजिक डायरेक्टर रोहन विनायक, और इन सब के हम बेहद आभारी हैं। अब दोस्तों हम राष्ट्रगान के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर नीरज बजाज, मिस्टर शैली ठकराल, मिस्टर प्रणव अदानी,
Mr. and Mrs. Oni Krishnan K., Mr. Jui Karkare Navre, Ms. Devika Rotwan, Mr. Gaurav Banerjee, Mr. Parveen Pardesi, Mr. Sanjay Bhatia, Group Captain A. Sridhar, Colonel Nitesh Kumar, Dr. Tejas Garg, Mr. M. Kumar, Mr. Niranjan Hiranandani, Mr. Ashish Chauhan, Mr. Zane Dalla, Mr. Xerxes Unvala, Mr. Nikhil Taneja, Mr. Arjun Bhatia, Mr. Naresh Malhotra, Mr. Sabas Joseph, Mr. Viraf Sarkari, IGP Krishna Prakash, Mr. Somnath, Dr. L. Subramaniam, Kavita Krishnamurthy, Ambi Subramaniam, Bindu Subramaniam, Rekha Bharadwaji, talented Mahesh Kaleji, Harshdeep Kaur, Divya Kumar, Shilpa Rao, Mr. Anand Tiwari, Rohan Vinayak, Shetis Joseph, R.D. Telang, Mr. Shiamak Davar, Vice Admiral Ajit Kumar, Shri Amitabh Bachchanji. I would request Mr. Girish Kubar to please escort our Honorable Minister and our guest of honor, Shri Nitin Gadkariji, on the very stage. I would also request Mr. Anand Goenka to please escort our Honorable Minister and our chief guest, Shri Rajnath Singhji, on the stage as well. Off camera and off audience.